अगर आपका HDFC बैंक में अकाउंट है तो आप बहुत ही आसानी के साथ एक लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं, जिसमें आपको 1,500 रुपए तक के Amazon वाउचर्स भी मिलते हैं। और इसके लिए आपको कहीं भी कोई भी डॉक्यूमेंट सेंड करने की जरूरत नहीं है, कंप्लीट प्रोसेस ऑनलाइन है। सो इस वीडियो में मैं आपको HDFC क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने का कम्प्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। HDFC क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए आपको इस पेज पर आना होगा। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें आप HDFC बैंक कस्टमर पर क्लिक करेंगे। इसमें आपको अपनी कस्टमर आईडी, मोबाइल नंबर और ये कैप्चा फिल करना है। इसके बाद लॉगिन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप अपना इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड डालकर लॉगिन पर क्लिक करेंगे। इसमें आप अपना एम्प्लॉयमेंट टाइप चूज करेंगे। इसमें आप अपने बिजनेस का नेम डालेंगे और शो एलिजिबल कार्ड्स पर क्लिक करेंगे। जितने भी क्रेडिट कार्ड्स के लिए आप एलिजिबल हैं वो सब आपके सामने आ जाएंगे। जो भी कार्ड आपको अप्लाई करना है उसको आप सिलेक्ट करेंगे और अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। इसमें आप वैलिडेट पर क्लिक करेंगे अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई करने के लिए। एक OTP आपके मोबाइल नंबर पर सेंड किया जाएगा। OTP डालकर कंटिन्यू करेंगे। आपके सामने आपका एड्रेस आ जाएगा। कार्ड की डिलीवरी आप किस एड्रेस पर कराना चाहते हैं वो आप यहाँ चूज करेंगे। तो यहाँ पर मैं करंट एड्रेस चूज करूंगा। इसके बाद कंटिन्यू। अपने क्रेडिट कार्ड पर आपको क्या नेम चाहिए वो आप यहाँ पर टाइप कर देंगे। नीचे आपको कुछ एड ऑन सर्विसेज दी गई है, इसमें से आपको कोई एक सर्विस चूज करनी होगी अपने क्रेडिट कार्ड को लाइफ टाइम फ्री बनाने के लिए। तो इसमें हम स्मार्ट पे चूज कर लेते हैं। इसके लिए हमें कोई भी पैसा पे नहीं करना होगा और हमारा क्रेडिट कार्ड लाइफ टाइम फ्री हो जाएगा। इसके बाद कंटिन्यू करेंगे। अगर आपके पास HDFC बैंक की तरफ से क्रेडिट कार्ड के लिए कॉल आया था तब आप इसको इनेबल करेंगे, वरना आप इसको ऐसे ही रहने देंगे और कंटिन्यू करेंगे। इसमें आपको एक आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और एक फोटो अपलोड करना है। आईडी प्रूफ में आप इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। इसके बाद प्लस आइकन पर क्लिक करके अपना डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको एक एड्रेस प्रूफ देना होगा, तो इसमें आप इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। इसमें भी आप प्लस आइकन पर क्लिक करके अपना डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करेंगे और अपलोड कर देंगे। इसके बाद आपको अपना फोटो अपलोड करना है, तो आप पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पर चूज करेंगे। अपलोड पर क्लिक करेंगे तो आपका फोटो भी अपलोड हो जाएगा। इसके बाद कंटिन्यू। इसके बाद टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करेंगे और सबमिट करेंगे। आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है और साथ ही एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो गया है, ये आपको कॉपी करके रख लेना है। इससे आप अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं। इसके बाद 1 वीक के अंदर अंदर आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगी और आपका डिजिटल क्रेडिट कार्ड आपकी ईमेल आईडी पर सेंड कर दिया जाएगा और फिजिकल क्रेडिट कार्ड बाय पोस्ट आपके एड्रेस पर सेंड कर दिया जाएगा। इसके लिए आपको कोई भी डॉक्यूमेंट कहीं भी सेंड करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे ही आपका क्रेडिट कार्ड बन जाएगा तो आप अपनी इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन करके कार्ड्स पर क्लिक करके देख सकते हैं। कार्ड्स पर क्लिक करेंगे, क्रेडिट कार्ड्स में अकाउंट समरी पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक्टिव क्रेडिट कार्ड्स आ जाएंगे। इसमें आपकी टोटल लिमिट्स आ जाएगी, आपके क्रेडिट कार्ड की कितनी लिमिट्स है और आप जो भी स्पेंड करते हैं तो उसका जो भी स्टेटमेंट बनता है वो यहाँ पर आ जाएगा और यहीं से आप अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पे कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड का बिल पे करने के लिए आप ट्रांजैक्ट पर क्लिक करेंगे। इसमें आप क्रेडिट कार्ड पेमेंट पर क्लिक करेंगे। इसमें आप अपना कार्ड टाइप चूज कर लेंगे, रजिस्टर्ड HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड, कंटिन्यू करेंगे। किस अकाउंट से आपको बिल पे करना है वो आप यहाँ पर चूज कर लेंगे। इसके बाद अपना कार्ड नंबर चूज करेंगे तो आपके सामने टोटल अमाउंट आ जाएगा कि कितने अमाउंट का आपका बिल बना है। सो इस तरह से अगर आपका HDFC बैंक में अकाउंट है तो आप बिना कोई डॉक्यूमेंट सेंड किए लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।